नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी इलेक्शन न्यूज में। जी हां साथियों, मधुबनी विधानसभा चुनाव की अभी की बहुत ताजा अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, मधुबनी के वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा। इन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पत्रकारों के लिए की बड़ी घोषणा कि उन्हें भी सैलरी के तौर पर दुगने पैसे दिए जाएंगे और बुजुर्गों को सम्मान निधि के 20,000 रुपये 4 माह में दिए जाएंगे। जी हां साथियों, बने रहिए न्यूज के साथ। जी हम आपको बता दें, मधुबनी विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हां साथियों, हम आपको बता दें कि प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ पत्रकारों की समिति भी बनाई जाएगी और इसके सुझाव पर कानून भी बनाया जाएगा। यदि मान्यता प्राप्त बुजुर्गों पत्रकारों अब प्रतिमाह 10,000 के स्थान पर 20,000 रुपये सम्मान निधि के पैसे भी दिए जाएंगे। जी हां साथियों, भाई हम बात करने वाले हैं, सम्मान निधि की पात्रता आयु लगभग 60 वर्ष ही होनी चाहिए। इसको लेकर पत्रकारों का निधन होने पर परिवार को 1,08,00,000 रुपये भी दिए जाएंगे। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम की राशि जो 27% वृद्धि हुई है, उसका भार भी सरकार भी उठाएगी। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, पत्रकार को पिछले साल के बराबर ही प्रीमियम देना होगा। इसे जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर के स्थान पर अब 25 सितंबर भी कर दी गई है। यह घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार समागम में भी कर दी है। उन्होंने प्रदेश भर में आए मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के आधार पर स्तंभ के रूप में मीडिया प्रतिनिधियों का परिश्रम प्रशंसनीय भी होगा और सभी मीडिया प्रत्याशियों की मस्त समिति भी बनाई जाएगी। जी हां साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप मध्य प्रदेश में क्या फिर से बीजेपी सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं वीडियो में।